ज़िंदगी के लिए जो आप सोचते हो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी भी आपके लिए ऐसा ही सोचे। मेरा नाम रिया है। जवान लड़की अगर घर में हो तो माँ बाप के लिए चिंता का विषय होता है। मेरी उम्र 28 के ऊपर हो गई थी। कई रिश्ते आए लेकिन कहीं बात नहीं बनी। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। वो हमारे शहर से थोड़ी दूर गांव में रहते थे। लड़के का नाम संजय है। लड़का अच्छा है और उनका खेती का काम था। लड़के की माँ नहीं थी। उनके घर में सिर्फ वो और उनके पिता ही रहते थे। मेरी शादी उनसे होना तय हो गया। उनके बारे में इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानती थी। शादी की तैयारी होने लगी। मैं भी इस बात से खुश थी कि मेरे माँ बाप की चिंता अब दूर हो रही है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा इसका मुझे पता नहीं था। शादी की तैयारियों में समय निकलता गया और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन जैसे लड़के के चेहरे पर खुशी और उत्साह रहता है, ऐसा कुछ भी मुझे उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शादी उनकी मर्जी के बिना करवाई जा रही हो। लेकिन मैं मन में यही सोच रही थी, जो भी ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं ऐसा कुछ भी ना हो। अपनी ज़िंदगी में अच्छे होने की उम्मीद लिए मैं बैठी थी। शादी करके मैं उनके घर गई। घर गांव में था, यह तो मुझे पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि उनका घर खेत पर ही है। घर के आसपास थोड़ी दूरी तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था। उनका घर भी बहुत बड़ा था। इतना बड़ा घर और सिर्फ हम तीन लोग। मुझे घर में जाते ही थोड़ी बेचैनी होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नई जगह है, ऐसा होना स्वाभाविक है। थोड़े दिनों में शायद मेरी आदत हो जाएगी। मेरी तरह शायद सभी लड़कियों को होता होगा। इन्हीं सब बातों में मेरा मन खोया रहा। लेकिन अभी सबसे बड़ा ख्याल यह था कि क्या मेरे पति मुझसे शादी करके खुश हैं या नहीं। अभी तक मैंने उनसे कोई बात नहीं की और मैं इसी इंतज़ार में थी कि उनसे बात हो। सुहाग रात पर मैं अपने कमरे में थी, सेज पर बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। मन में कई तरह के ख्याल और सवाल थे। आगे क्या होगा इस बात से मैं अनजान थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इंतज़ार करते करते आधी रात हो गई, लेकिन अभी तक मेरे पति कमरे में नहीं आए थे। आधी रात के बाद मैंने सोचा कि शायद किसी काम में होंगे। शादी में बहुत काम होते हैं और सब उन्हें संभालना होता है। यह सोचकर मैं वहीं बिस्तर पर सो गई। सुबह मेरी नींद खुली और मैं तैयार होकर बाहर गई तो वो मुझे घर के बरामदे में सोए दिखाई दिए। शादी की पहली रात कोई अपनी पत्नी के कमरे में ना सोकर बाहर क्यों सोएगा। मेरे ससुर ने मुझे देखा और पूछा कि बेटा सब ठीक है। मैंने भी उन्हें कहा सब ठीक है। मेरे ससुर ने तब कहा कि बेटा मैं तुम्हें संजय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा बेटा मन का बहुत अच्छा है, लेकिन इसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तुम अभी इसे समझना। मैं तुम्हें बता दूँ कि उसमें थोड़ा समय लगेगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझना। बस इसके गुस्से और कम बोलने का बुरा मत मानना और ज़्यादा सवाल मत पूछना। यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। यह किस ओर का इशारा था, लेकिन मैंने उस समय सिर्फ हाँ कहकर उनकी बात मान ली। मैं उनसे और कहती भी क्या। मैं सुबह जब घर का काम कर रही थी तब कोने में एक दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। घर में ही इतना बड़ा ताला लगा कर रखा है, यह बात मुझे अजीब लगी।
मेरे पति घर से चले गए थे। मैं पूरा घर देख रही थी, साथ ही सफाई भी कर रही थी। उस दरवाजे के ताले ने मेरे मन में अभी भी सवाल उठा रखे थे। मैंने मेरे ससुर जी से बोला कि पापा जी, इसकी चाबी दे दीजिए, सफाई कर देती हूँ। वो बोले, नहीं रहने दो, इसके नीचे तहखाने में एक छोटा कमरा है, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो। उन्होंने जिस तरह से बोला उनको देखकर ही मैं डर गई। पता नहीं उन्हें इस बात पर गुस्सा क्यों आ गया। उस समय मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन फिर बाद में सोचती रही कि आखिर वहाँ क्या है। कुछ देर बाद मेरे ससुर भी घर से चले गए। मैंने पूरा घर देखा, लेकिन मैंने मेरी सास की एक भी तस्वीर नहीं देखी। यह बात थोड़ी सोचने लायक थी। नया घर और भी लगभग सुनसान जगह पर, उसमें भी कई सवाल, यह सब मेरे लिए बड़ा अजीब था। रात हो गई और वो और ससुर जी दोनों घर आ गए थे। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में गई। जैसा कि मैंने कहा, मुझे अब इस घर में थोड़ा अजीब सा लग रहा था। घर में बात करने वाला कोई नहीं। मैं सोच रही थी कि आज भी वो बाहर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कमरे में आ गए। उनके आते ही मैं डर गई। वो कमरे में आए, लेकिन बिना कुछ बोले और मुझे देखे वो बिस्तर पर सो गए। शायद आज उनके पिता ने उन्हें समझाया होगा कमरे में लेटने के लिए। मैंने थोड़ी कोशिश की उनसे बात करने की। उन्हें बोला कि आपको ठंड लगे तो यह कंबल ले लेना, लेकिन उनका कुछ जवाब नहीं आया। मैं भी कुछ समय के बाद सो गई। उस दिन के बाद रोज़ वो कमरे में ही सोते थे, लेकिन मेरी तरफ पीठ करके और बिना कुछ बोले। यह कैसी शादी थी? मेरे पति मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मेरे ससुर ने पहले ही समझाया था कि ज़्यादा सवाल नहीं करना, इसीलिए मैं कुछ बोलती या पूछती ही नहीं थी। एक रात मेरी नींद अचानक खुली तो मैंने देखा कि वो कमरे में नहीं हैं। मैंने सोचा कि बाथरूम गए होंगे, लेकिन जब कुछ देर होने के बाद भी वो नहीं आए तो मैंने कमरे के बाहर जाकर देखा। कमरे के बाहर बरामदे में कहीं भी मुझे वो नहीं दिखाई दिए। मैं फिर अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया उस ताले वाले दरवाजे का। उस दरवाजे के सामने मैं गई तो वहाँ अब ताला नहीं था, बल्कि वो अंदर से बंद था। मैं खड़ी खड़ी यही सोच रही थी, कहीं वो अंदर तो नहीं। तभी मुझे धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी औरत की थी और ध्यान से सुनने पर वो बेटा बेटा बोल रही थी। मैं डर गई और वहाँ से भागते हुए सीधे मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। मैं बिस्तर पर सोए हुए यही सोच रही थी कि यह सब क्या है। तभी वो कमरे में आ गए। मैंने सोने का नाटक किया। अब उनके आने से मुझे डर लगने लगा था। जैसे तैसे मैंने अपने डर और विचारों पर काबू किया। तहखाने में जो औरत की आवाज़ आ रही थी, क्या वो मेरी सास की थी? मेरी सास की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? क्या वो जिंदा हैं? और अगर हैं तो उन्हें इस तरह बंद करके क्यों रखा गया है? जब घर में इतने राज हों तो नींद कैसे आ सकती है? रात में ठीक से सो ही नहीं पाई। बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे यह ख्याल आया कि मुझे उस कमरे में जाकर एक बार तो ज़रूर देखना ही चाहिए। मेरे ससुर ने भी उस कमरे में जाने से मना किया था। मैं सुबह जल्दी अपने कमरे से निकल गई। वो अभी तक सोए थे। धीरे धीरे और डरते डरते मैं उस कमरे तक जा रही थी। सीढ़ियों के दरवाजे पर पहुंच गई थी। हमेशा की तरह अभी भी वहां बड़ा ताला लगा हुआ था। उसकी चाबी मेरे पति के पास रहती थी। मैंने सोचा कि मैं बाहर से आवाज़ लगाती हूं, शायद कोई जवाब दे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आवाज़ लगाने से मेरे पति या ससुर में से कोई जाग जाएगा। मुझे समझ आ गया था कि उस कमरे में जाना है तो चाबियों के साथ आना होगा।
मैं वहाँ से चली गई। उस रात के बाद मैं बड़ी बेचैन हो गई थी, लेकिन मेरे पति के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। उनके लिए ऐसा था जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह सुबह ही मेरे माँ और पिता अचानक ही मेरे ससुराल आ गए। वो वहाँ से गुजर रहे थे, इसीलिए मुझसे मिलने आ गए। मेरी माँ को देखकर मुझे रोना आ गया। जी तो चाहा कि यह सब जो है वो मैं उन्हें बता दूँ, लेकिन मैं बताती भी तो क्या। अभी तो मुझे भी ठीक से नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है। मेरी माँ मुझसे पूछती है कि बेटी सब ठीक है? मैंने कहा ठीक है, लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। ना मेरा पति मेरे साथ पति की तरह रहता है और ना ही इस घर में क्या हो रहा है उसका मुझे कुछ भी पता है। लेकिन मैं अभी उन्हें भी चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैंने मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताया। उनके जाने के बाद जब मेरे ससुर घर पर थे तो मैंने उनसे पूछ लिया कि पिताजी सासू माँ कैसे चल बसी। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कि मैंने कोई बहुत गलत बात पूछ ली हो। बोले, बेटा तुमने मुझसे तो यह बात पूछ ली, लेकिन भूल कर भी यह बात कभी अपने पति से मत पूछ लेना। समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, अभी इस बात को मत करो। इतना कहकर वो चले गए। अब रात होने से मैं डरने लगी थी। रात फिर वही होता, मेरे पति आधी रात को उसी कमरे में जाते और वहाँ से मुझे बहुत धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती। उस रात मैंने सोच लिया था कि आज मैं चाबी लेकर ही रहूँगी। रात जब वो कमरे में आकर थोड़ी देर बाद सोए तो मैंने धीरे धीरे उनकी जेब से चाबी निकाल ली। सुबह जल्दी ही मैं उस कमरे की ओर गई। मन में कई तरह की बातें और डर था। मैं उस दरवाजे के सामने थी जहाँ ताला था और उसकी चाबी मेरे हाथ में थी। मैंने थोड़ी देर खड़े होकर सांस ली और चाबी उस ताले में लगाई, लेकिन मेरी धड़कनें तब रुक गईं जब पीछे से मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ लगाई, बहू। उनकी आवाज़ ने मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं पीछे नहीं पलटी, लेकिन वो मेरे पास आए, मुझे देखकर बोले कि क्या कर रही हो यहाँ और इस कमरे की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई। मैं चुप थी तो उन्होंने फिर पूछा, कहाँ से मिली तुम्हें यह चाबी? तुमने मेरे कमरे से इसे लिया है? मैंने कहा, नहीं, यह तो आपके बेटे के पास थी। वो रोज़ रात यहाँ इस कमरे में आते हैं। यह सुनकर उन्हें हैरानी हुई। वो बोले कि संजय इस कमरे में फिर जाने लगा, वो भी रात में। मैंने पूछा, आखिर ऐसा क्या है जो आप लोग इस कमरे में छिपा रहे हो? यहाँ से रात को बेटा बेटा की आवाज़ें आती हैं, क्या संजय की माँ इस कमरे में है? मेरे ससुर ने यह सब सुनकर कहा कि गलती मेरी ही है, तुम्हें सबसे पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ सोचने लगोगी। उन्होंने मेरे हाथ से चाबी ली और सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला। नीचे उतरकर एक कमरे में गए। कमरा खोलते ही मुझे कमरे का राज पता चल गया। कमरे में मेरी सास का सारा सामान, कपड़े, तस्वीरें और गहने थे। उसके बाद ससुर जी ने मुझे बताया कि संजय की माँ 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसी थी और वो अपने भाई के यहाँ जा रही थी। संजय को उस दिन उसने कहा कि वो उसे भाई के पास ले जाए, अगले दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन संजय ने मना कर दिया। कहा कि उसे नहीं जाना, मुझे अच्छे से बाइक चलाना नहीं आता है। इसलिए उसने अपने भाई को बुला लिया, लेकिन जाते वक्त उनकी बाइक फिसल गई और गिर गई। संजय की माँ को सर में चोट लगी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। संजय अपनी माँ की मौत का खुद को जिम्मेदार मानता है। उसका मानना है कि अगर वो उस दिन माँ को ले जाता
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस घटना के बाद वो कई दिनों तक बोला ही नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे संभाला है। बात बात पर वो अपनी माँ को याद करके रोने लगता है, गुस्सा करने लगता है, खुद को कोसने लगता है। उसे उसकी माँ की याद ना आए, इसीलिए मैंने उसका सारा सामान यहाँ पर रख दिया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके फ़ोन में कई वीडियो हैं उसके माँ के साथ। शायद रात में आकर वो यही सब फिर देखने लगा है। मैंने सोचा कि उसकी ज़िंदगी में अगर प्यार आएगा तो शायद कुछ हद वो फिर से खुश हो सकेगा। इसीलिए मैंने उसकी शादी करवा दी। उसकी माँ उसे शादी के लिए कहती थी, लेकिन वो मना करता था। शादी के वक्त भी वो यही कह रहा था कि माँ नहीं है तो शादी करके किसे खुश करूँ। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था, उसे गलत मत समझो। उसे प्यार की ज़रूरत है। उसे यह विश्वास दिलाना है कि जो हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता, ना ही उसमें उसकी कोई गलती है। कुछ समय पहले जिस पति से मैं डर रही थी, अब उसके लिए मेरे दिल में प्यार और सहानुभूति जाग गई। जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो कैसे बुरा हो सकता है। मैंने उसी समय अपने ससुर से कहा कि अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं उन्हें संभाल लूँगी। सुबह जब वो घर से बाहर जाने लगे तब मैंने उन्हें कहा कि आप बहुत अच्छे हैं। उनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान ज़रूर आई। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वो अपने आप को दोषी समझना बंद कर दें। धीरे धीरे मुझे उनकी मुस्कान वापस लानी है और मुझे पता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।